नमस्कार। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अरे सोचिए मत, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। अब आपको बताते हैं, ये जो डिक्टेशन है ये एसएससी स्टेनो ग्रेड सी के लिए है, जिसमें 1000 शब्द हैं और इसे 106 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रिकॉर्ड किया गया है। सब्सक्राइब कर लिया ना पक्का? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, डिक्टेशन शुरू करते हैं 3 सेकंड बाद। 1 2 3 स्टार्ट। सभापति महोदय, आज से 27 वर्ष पहले विधवा पुनर्विवाह कानून बनाना पड़ा और आज फिर 1983 में हम यहाँ इस सदन में बैठे हैं, तो फिर इस विषय पर चर्चा हो रही है। इसका यह तात्पर्य है और यह इस बात को साबित करता है कि 127 वर्ष पहले और उसके पहले भी जो महिलाओं की स्थिति समाज में थी, उस स्थिति में बहुत सुधार तो आया है, लेकिन जो परिवर्तन होना चाहिए था, जिस हद तक वह संभव नहीं हो सका है। स्वतंत्रता संग्राम के समय हमारे देश की महिलाओं ने काफ़ी काम किया और विश्व में इसकी मिसाल नहीं मिलती है। फिर हमारी यहाँ जो स्थिति है वह एक विरोधाभास की स्थिति रही है। आज उसे शक्ति के रूप में समझा गया तो उसे अबला के रूप में भी माना गया है और मध्यकालीन युग में और उसी समय से महिलाओं को द्वितीय दर्जे का नागरिक समझा गया और उसके बाद जो विधवाओं की स्थिति रही वह हमारे समाज के दृष्टिकोण का ही परिणाम था। स्वतंत्रता से पहले और बाद में भी समाज में जो कुरीतियां हैं उनको दूर करने के लिए और महिलाओं के स्तर को ऊपर उठाने के लिए अनेक कानून बनाए गए और महिलाओं की जो स्थिति थी उसके स्तर में सुधार के साथ साथ उसमें जागृति किस प्रकार आए, ऐसे कानून बनाए गए, कैसे वे अपने अधिकार को समझें, कैसे उनमें जागृति आए और कैसे वे कानून को समझें, इसके लिए भी समय समय पर सरकार द्वारा प्रयत्न किए गए हैं। अभी यह कहा जा रहा था कि ऐसे विधेयक को लाना कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन अगर कोई कानून बनता है तो वह एक क्रांति का माध्यम होता है और उस कानून के माध्यम से लोगों में जागृति पैदा की जाती है। यह सही है कि विधवाओं के संबंध में स्वतंत्रता के पहले कई कानून बनाए गए, जिनमें बंगाल स्त्री विनियम 1829 कानून भी है, जिसमें विधवाओं के सती होने या आत्मदाह करने को अवैध घोषित किया गया है। इसके पश्चात 1856 में एक कानून बनाया गया जिसमें हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध ठहराया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी हिंदू विवाहों से संबंधित और महिलाओं के विवाह विच्छेद से संबंधित कानून बने। उन कानूनों के बनने के बाद आज जो विधेयक मंत्री महोदय ने यहाँ रखा है वह बहुत ही समयानुकूल है। दूसरी बात यह है कि जो विधवाएं हमारे देश में या हमारे समाज में हैं, उनके विधवा होने का कारण बाल विवाह भी है। इसके साथ साथ इस युग में भी राजस्थान में सबसे अधिक छोटी छोटी लड़कियों की शादी की जाती है। पिछले साल सुनने में आया था कि वहाँ एक ऐसा पर्व होता है जिस दिन
10,000 छोटी छोटी लड़कियों की शादी की जाती है। दूसरे प्रांतों में भी ऐसा होता होगा, लेकिन राजस्थान में यह संख्या बहुत अधिक है। मेरे विचार से कानून के द्वारा बाल विवाह पर रोक लगाई जानी चाहिए। इस संबंध में कानून है, लेकिन जो कानून बनते हैं उनका पूरी तरह से पालन नहीं होता है। मैं यह मानती हूं कि इस संबंध में जागृति से बहुत कार्य हो सकता है, लेकिन बाल विवाह के संबंध में जो कानून हैं उनमें और भी कड़ाई करने की ज़रूरत है। ऐसा भी देखने में आता है कि जन्म से पहले ही बच्चों की शादी कर दी जाती है। यह एक गंभीर विषय है। जब हम यहाँ बैठे हैं और इसी पर विचार कर रहे हैं तो हमें सोचना चाहिए कि किस तरह से समाज में ऐसी कुरीतियों के विरुद्ध काम किया जाए, कैसे उनको रोका जाए। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहती हूँ कि विधवा पुनर्विवाह के संबंध में जो आप कानून लाए हैं यह तो आवश्यक है, लेकिन सबसे बड़ी आवश्यकता आज यह है कि बाल विवाह के ऊपर प्रतिबंध कड़ाई के साथ होना चाहिए। इसके संबंध में जो कानून हैं भी उसको बनाने की बहुत ज़रूरत है। आप जानते हैं कि धर्म के नाम पर कितनी अधिक महिलाएं देवदासी बना दी जाती हैं और उसके बाद उनको गलत रास्ते पर ले जाया जाता है। जो लड़कियां छोटी छोटी उम्र में विधवा हो जाती हैं उनको वैश्यावृत्ति के लिए एक्सप्लांट किया जाता है। वृंदावन वाराणसी में तकरीबन 50,000 ऐसी महिलाएं होंगी जो कि बाल विवाह के पश्चात विधवा होकर अपना जीवन यापन कर रही हैं। इनके लिए कौन कानून बन सकता है? इसके लिए तो सामाजिक परिवर्तन की ज़रूरत है। जब ऐसी विधवा औरतें हमारे घर में होती हैं, हमारे परिवार में होती हैं, तो हम उनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते हैं। वैसे हम कानून की बात बहुत करते हैं। आज के युग में जब साइंस और टेक्नोलॉजी प्रवेश कर चुका है तो कितने प्रतिशत पुरुष आपको मिलेंगे जो विधवाओं से शादी करने को तैयार मिलेंगे? मुश्किल से 2-4 पुरुष मिल जाएंगे, लेकिन भाषण देने वाले बहुत मिल जाएंगे। भाषण देना और इस बात की चर्चा करने से ही यह समस्या नहीं सुलझेगी। अभी मैं उस पक्ष के एक भाई जो कि अभी बोल रहे थे की बात सुन रही थी। मैं उन माननीय सदस्य से पूछना चाहती हूँ कि क्या कानून बना देने के बाद जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं उनके लड़के विधवाओं से विवाह करने को तैयार होंगे? मैं समझती हूँ कि कहने और करने में अंतर होता है, लेकिन फिर भी कानून बनाने का एक अपना माध्यम है। इसके जरिए से भी समाज में जागृति आती है। हमें समाज में परिवर्तन लाने और कुरीतियों को मिटाने के लिए क्रांति लाने के प्रयास करने चाहिए। इन शब्दों के साथ हिंदू विधवा पुनर्विवाह विधेयक का, जो कि कमीशन की अनुशंसाओं पर यहाँ प्रतिस्थापित किया गया है, उसका मैं समर्थन करती हूँ। आज के समाज में नारी के स्थान की बात जब हम करते हैं तो विवाह संस्था उसके साथ आकर जुड़ जाती है। कमेंट करके ज़रूर बताएं।